हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 10 ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर यूनिट 2 रिगार्डिंग CSIR UGC नेट लाइफ साइंस। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था यूनिट 1 के बारे में कि यूनिट 1 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगेन हम यूनिट 2 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये जो सीरीज है उसका क्या टारगेट है, हम कैसे कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट को टारगेट करेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप सेकंड वीडियो को स्विच करिएगा। तो आज हमें क्या बात करनी है यूनिट सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले यू शुड हैव द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस ऑफ यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड जो है वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात और जान लो, यहाँ होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो आपकी सेल बायोलॉजी वाली यूनिट्स है उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। CSIR में होता क्या है कि हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज है। जितने क्वेश्चंस आपके फर्स्ट यूनिट से आएंगे वो इस सेकंड से आएंगे, वैसे ही थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ही सीरीज चलती है। होता बस इतना है कि जो आपकी सेकंड यूनिट है और जो आपकी फोर्थ यूनिट है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये दोनों यूनिट इंटरकनेक्टेड यूनिट है जो सेल बायोलॉजी की ब्रांच है। तो हमें ऐसा लगता है सेल बायोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का वो इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी थी, सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपके टोटल कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है। अब 5 सेक्शन कौन कौन से, जैसे आपके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। तो टोटल कितने आपके हैं, ये 5 सेक्शन है। हर एक सेक्शन में अगेन आपके 7 to 8 टॉपिक्स हैं, तो ये कितने बन जाते हैं, 35 to 40 कुछ टॉपिक्स बन जाते हैं। अब इन सारे टॉपिक्स को फिर से प्रिपेयर कर पाना, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि फिर से उनको आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, और इक्वली सबको अच्छे से पढ़ के रिवाइज रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। जिनने भी अभी अगर ये आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया भी है कि स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। इस स्मार्ट अप्रोच में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक है सबसे पहले बेटा हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो आपका है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपके क्वेश्चन टाइप, कि जो आपका यूनिट सेकेंड है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए, फिर तो हम प्रिपरेशन करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, जैसे पहला क्या है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपको पता होगा यूनिट सेकंड से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो हमें वैसे प्रिपेयर भी नहीं करना है। कभी कभार यदि एक आध आ गया हो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप फ्रिक्वेंटली देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें नहीं आते। हाँ, इसमें एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल टाइप हमें जितने भी क्वेश्चन यूनिट सेकेंड के लिए मिलेंगे तो उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और फिर आता है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, भी इसमें कुछ कम ही पूछे जाते हैं। अब हमने क्या किया था, आपको अगर याद होगा कि हमारे जो टॉपिक्स थे उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था। पहला कौन सा था, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक। ये कैसे हमने किए थे, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में यहाँ पर केवल मैंने 6 टॉपिक जो है उनको मेंशन करा है। वो 6 टॉपिक कौन कौन से बेटा, एक तो है आपका प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड शॉर्टिंग, इससे 28 क्वेश्चन पूछे गए। 28 क्वेश्चन, समझ रहे हो मतलब कितना ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपको जो और टॉपिक्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रख दो सो रख दो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड शॉर्टिंग। तो इससे 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 ईयर में, मीनिंग हर एक ईयर में, हर एक 6 मंथ के एग्जामिनेशन में इसमें एक क्वेश्चन तो आया है, और कहीं कहीं 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए। फिर आपका है लिपिड बाइलेयर एंड डिफ्यूजन, इसमें 26 क्वेश्चंस, सेल साइकिल एंड डिवीजन 24 क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल 17 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन 14 क्वेश्चन एंड साइक्लोस्केलेटल आप 14 क्वेश्चन। तो यहाँ पर केवल 6 टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, ये आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। दूसरा हमारा कौन सा है, मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक। अब सेल बायोलॉजी में क्या होता है ना, ये ऐसे बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, बहुत कंसाइज से टॉपिक थे, इसीलिए मैंने इनको कंबाइंड कर दिया मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, एक तो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी जिसमें आपके 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 ईयर का एनालिसिस है ये।
सेल बायोलॉजी में, सेल ऑर्गेनल्स में आपके 9 क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन 7 क्वेश्चन, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस 5 क्वेश्चन, एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 क्वेश्चन। तो टोटल आपके कितने हो गए, 6 आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं और बाकी के जो 5 हैं वो लेस एंड मीडियम कैटेगरी के हैं, तो टोटल आपके 11 टॉपिक बनते हैं। तो जो आपके अगर आप मेन यूनिट्स में देखोगे या सिलेबस में देखोगे तो आपके 40 to 45 टॉपिक्स थे, लेकिन अब आपके पास केवल 11 टॉपिक हैं। अब 11 टॉपिक कितने कम है, ये तो आप चलते फिरते ही पढ़ लोगे। तो सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक को टारगेट करना है। एंड ऑनेस्टली गाइज, आप खुद देखिएगा, एक बार आप इन 11 टॉपिक्स को पहले टारगेट करिए और फिर आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए, आप खुद देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये जो है ये होती है स्मार्ट अप्रोच। अब आपने कई बार ये भी सुना होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपसे कहते थे कि हमने केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और उनका सिलेक्शन हो गया, इवन अच्छी स्कोरिंग हो जाती है। वो सही कहते हैं, क्योंकि वो करते क्या है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करते हुए जो जो टॉपिक आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से उनने पढ़ लिया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनने इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही तो करे हैं टारगेट, तो वो ही हमें करना है। तो आप फटाफट इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके टोटल 11 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और रिकॉल कर लीजिए, ठीक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेरीज है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। जो हमारी थर्ड वीडियोज रहेगी उसमें हम यूनिट 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो तब तक आपको 1st and 2nd यूनिट के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Wish you very all the best for your upcoming examination.